निकालो खा लो खा लो वो भी। अरे ले भाई हाथ गंदा कर रही हो, ये लो ले ले ले, ले देखो वो आएगा बा वो आएगा, देखो हाथ कटी अब आ रही निकल के, देख तुम दे दो हाथ तुम दे है, देखो ये देखो देखा रुक जाओ, ले 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 हटो, ले 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 तुम दे, अरे ले भागे जा रहा हट, अच्छा ले ले तो ही ले दे बेईमान, सबको आम चाहिए, हटो हटो ले 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 खा खा लो खा लो खा लो, ये लो खाओ सेब खाओ, वो चली आ रही देखो अंदर कहाँ घुसी रही सब, अब आई हैं घंटे के बाद का, ये लो खाओ सेब नहीं कोई खा रहा है, वो फेंको वो सब उठाओ, ये लो वहाँ भी फेंक दो, ले निकालो 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 निकालो, 14 तारीख का आप सीन देख रहे हैं, खाओ 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 मार भी लगी है ले 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 भैया तुम लोग ले लो भैया, अच्छा ये आ गई हथकटी आ गई क्या, अपना अधिकार अरे हथकटी नहीं है इसके गोद में बच्चू बच्चू है, ले अच्छा खाने दे, इसके गोद में बच्चू बच्चू है भाई, 14 तारीख का आप देख रहे हैं सीन, 14 जुलाई 2019, ये लो लो खाओ, कहाँ रहे तुम लोग सुबह से यहाँ से वहाँ तक हम ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, लो भैया तुम काहे लिए हुआ बैठे हो को भवन में, और देखो कटहा आएगा कटहा के साथ जरूर रहे, कटहा को भगाई हम जरा, ए कटे ए ए हट हट कटे है हट, उसके चक्कर में और सब भाग गए, हट कटे है हट, आओ आ जाओ ले खाओ ले आओ आओ खाओ, लो खाओ चना भी डाल दें, सब अंदर छिपे रहे लौटे जा रहे, आने में जरा देरी हो जाती है, कहाँ है हथकड़ी एकदम आखिर में आएगी देखिएगा, जब सब खत्म उसके दो आम हथकटी के लिए हम गाड़ी के अंदर छिपा के रखे हैं, ले 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 ले, अरे कितने छोटे से हो भैया तुम, थोड़ा उसको भी दे दो, ये छुट्टी छुट्टी से लूटी लूटी खा ले भाई, देखो उसके उसमें चना है चना है, ले निकालो खाओ, हाँ चना है सर, खाओ ले खाओ, आइए रोज रोज का सीन देख करके उबिएगा नहीं, ये समझिए कि आप साक्षात हनुमान जी के हनुमान महाभोज के आप रोज दर्शन कर रहे हैं घर बैठे, वो आ रही है हथकटी आखिर में आती है वो देखो वो चली आ रही है, उसके लिए आम हम रखे हैं डिग्गी में छिपा के, अब वो देंगे, अच्छा तुम लोग खाओ ठीक, हथकटी को आम दे दें, ये आ गई हथकटी आ गई, आओ हथकटी आओ यहाँ आओ, हटो तुम यहाँ बैठे हो, हाँ आओ हथकटी आओ, कहाँ चली गई, ये हथकटी के लिए दो माम छिपाए रहे हम, उसको दोनों को दे देंगे, हटो देखो सबकी निगाह आम पर पड़ गई, अब झोले के अंदर आम रखे, रुको चले आ रहे हो, हटो कहाँ है हथकटा मर गई, यहाँ आओ जल्दी सामने, हटो वो हुआ बैठी, हटो हटो तुम लोग हटो तुम लोग हटो 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 ले 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 हटो हटो रुक जाओ ले तुम भी ले उसे छीन लिया ना ले खाओ लेके भागी, देखो दो आम थे उसके बेटे को नहीं मिला, खाओ अब रोटी में भैया थोड़ी कृपा करो, अच्छा ये देखो जहाँ तुम लोग रोटी खाते हो बिछा देते हो नीचे, अब नीचे जो गिरा है उसको बिन कर खाओ पहले, हाँ का तुमको दे रहे, अले ले 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 ए, हम बहुत मारेंगे, अच्छा सूखे साओ ले लो तुम दे, ये लो खाओ हटो, ये लो खाओ हटो हटो तुम लोग खाओ हटो तुम लोग हटो खाओ खाओ, 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 खाओ
खा लो, डरो मत, हम सामने बैठे हैं तुम्हारी, हटो, ए बिंदु साओ, वहीं रहो किनारे। ये बेचारा मारे डर के नीचे ऐसे झुक गया था, हटो। हम दिया तुमका एक हाथ करके, देखो मारे डर के वहाँ भाग गया, मारे डर के। अब ये रोटी जो बिछाए हैं ये खाओ, तो फल वाला झोला खाली कर दो, अभी बहुत माल है, ले थोड़ा निकाल के फेंक देना चाहिए, ऐसे फेंक दो, थोड़ा ऐसे फेंक दें, हम उनको भी मिल जाए बेचारों को, मारे डर के वो नहीं आ पा रहे। देखो चार जने हुआ, चार जने रोड पर, इतनी झुंड, यहाँ ये नहीं कि लोग झुंड में आ जाए, ना झुंड में नहीं आएंगे, यहाँ कटी जाएंगे, अंदर छिप जाते हैं लोग, सुबह में देंगे, अच्छा दे लो भैया निकालो, झोला क्या करोगी ले जाके। हाँ देखो रोटी सब पड़ा हुआ है, पतली वाली कई बार कहा, देखो ये चोरी हो रहा हमारे झोले से, ये देखो झोले से चोरी हो रहा है, अब हम देख रहे हैं तो कचकच नाराज हो रहे हैं कि नाराज मत। ये देखो कैसा गाड़ी पर बैठे हैं, रोज गाड़ी गंदी की जाती है, लो उठा लो, बड़े खुश हो जाएंगे, मार कुछ बोलेंगे। ये देखा इसको बंदरिया के देख के बेचारा भागा, लो भैया ले कहा, देखो आ गई ना ये सफ़ेद वाली गाय, अभी इतना भगाया हमने इसको, इतना भगाया, अब करीब आ गए, रुक जाओ भैया इनको और थोड़ा पढ़ा दें, इनको आगे पढ़ा में सभी काम चलेगा, और हाँ दौड़ा इसको खाने नहीं देती जरा सा, हम हटे बहुत दिन के बाद दिखाई पड़े, अच्छा वही एतवार ही एतवार आते होंगे, हाँ ठीक भाई, अब आजकल कहाँ हैं आप, जगतपुर, पहले हरसनपुर करीब रहा ना, अब दूर चले गए, चलो जगतपुर भी कोई दूर नहीं है, तो गाड़ी से आते जाते हैं, अच्छा एक ठाकुर राकेश प्रताप सिंह को आप देख रहे हैं, और ये बंदर के लिए जो इनको जो जानकारी है वो शायद आप, रुक जाओ पहले वहीं से खोल लिया करो, हाँ देव बस ऐसे दिखाओ, निकालते जाएं खाते जाएं, हाँ एक कुछ सुनो कुछ डिब्बे में डाल दो, बाकी दीवार पर रख दो। एक ज़माना हो गया जब इन्होंने गधे की सेवा किया था, सालों गाय की सेवा किया था, और पोस्ट ऑफिस में आप पीउन के जगह इनके नौकरी मिली थी पिताजी के जगह, और आज ब्रांच पोस्टमास्टर बन गए, ये बंदरों की कृपा से हुआ है ना, देखा जी बंदरों की ही कृपा से हुआ, बल्कि जो आप गाय गधे की सेवा किए थे एक रिकॉर्ड बनाया था। अच्छा ये बताओ नेशनल स्कूल से गधे को पकड़ने में हमारी अंजलि वाला आप भी थे ना, हाँ लगभग कितना सब हुआ होगा समय, कई साल बीत गए, कई वर्ष बीत गए, फिर भी अंदाज बताओ कुछ, मेरे तो 10 साल बीत, और ज्यादा हुआ होगा, और ज्यादा हुआ 15-16 साल होगा। यही ठाकुर राकेश प्रताप सिंह को आप देख रहे हैं, हमारे सबसे उस जमाने में न भुवन सिंह रहे, न निशा शर्मा रही, न कोई वर्मा रहा, कुछ नहीं, अकेला आदमी ये सालों मेहनत किया करके। अरे 1998 की बात है, अब 1998 क्या बल्कि 97 से बात है, हाँ वो देखिए हथकटी वहाँ पहुँच गई, एक हथकटी गैंग है इसका, वो हथकटी बंदरिया ऊपर है, तो आप संडे आते हैं ना, हाँ तो आप यही ऐसे तो दे ही दें, थोड़ा जहाँ गीली जमीन हो, मतलब उसमें ये देखो एक एक चने को रगड़ रहे हैं, मिट्टी में गिर रहा है, तो आप यहाँ ले आके थोड़ा दीवाले दीवार रख दीजिए ताकि सबको मिले। तो हर इतवार को आ रहे हैं,
लेकिन और थोड़ा पहले आया करें, तो हमारी वजह से मिल गए, वरना लोग अंदर पलायन कर जाते हैं जंगल की ओर। हाँ, दीवार में रख दीजिए, सबको मिले। यही ठाकुर राकेश प्रताप सिंह है, ये डाकखाने में ब्रांच पोस्ट मास्टर है, पीयून से ब्रांच पोस्ट मास्टर बने। यही सेवा, गधे की सेवा, गाय की सेवा, बंदर की सेवा। एक गधे को इन्होंने पकड़वाया था, उसका कान सड़ गया, भैया उनका बैग न छुए यार, नीचे उतर के खाओ बच्चा, उसमें ना कोई तलाशी दो, उसके अंदर कुछ नहीं। इतनी कठिन सेवा, एक जमाना बीत गया, 1997 की बात है, तो तब से ये लगे हुए हैं, और अपना इनका निजी मकान हो गया। यानी बहुत कुछ चमत्कार देखा। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ लड़ रही है, हम दिया करते, आओ आओ बताइए, आओ आओ। तो देखा, ये भी संजोग की बात थी। तो और थोड़ा राकेश पहले आवा करो, खूब सवेरे जो है हम आज आवे में हमका देरी हो गई। हाँ, खूब दूर दूर रख के चले जाओ, खम्भे खम्भा, खम्भे खम्भा, आगे कांटा पड़ा हो क्या, ध्यान दिए रहो। तो ये अपने कर रहे हैं, तो संडे संडे बेचारे आते हैं, मतलब जो हमसे जुड़ा है वो कुछ बन गया, उसको कुछ दिखाई पड़ा है। और जिन लोगों ने गाली दिया है, विरोध किया है, वो 6 महीने साल भर के अंदर कोई ना कोई उनके सामने समस्या आ गई है। कोई जानकारी लेनी हो तो आप रायबरेली आके पता लगा दो। देखिए, झोले में चना था, अभी चौधराइन लेके बैठ गई अकेले और खा रही, रुक जाओ हटो, झोला देखे भाग रही है, देखो चलो, ये तो झोला भी यहाँ से चला जाएगा। नहीं देखो, हम करीब जाएंगे तो ये झोला जो है, ये देखो काटेगी, ये देखो, ये देखो, ये देखो, झोले को काट करके। हाँ, अब ये देख रहे हैं, अब हम अगर करीब गए इनके तो ये झोला गया, ले 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 ले, तुम ये भी बड़े गुंताड़े में रहती है, ले यहाँ कटी आ गई, देख रहे इसका हाथ कटा हुआ, तो पूरा रोटी की झोला दे दिया। हाँ, तो वहाँ भी दे दो, खम्भे खम्भा रख दो। एक जमाना बीत गया, ठाकुर राकेश प्रताप सिंह, भुवन सिंह को इनसे मिलना चाहिए, एक दूसरे को जानो समझो। छतरियों की रायबरेली है, तो अपने छतरी आगे आया, तो हालांकि शुरुआत तो हमारे से हुई। और एक जगह हम गाय का इलाज कर रहे थे, ये पीएनटी कॉलोनी में रहते थे, वहाँ डाकखाने की कॉलोनी में, अब अपने निजी मकान में आ गए, तो वहाँ एक सड़क किनारे गाय पड़ी थी, और उस समय ये प्यून थे। अब सोचिए क्या हम पूरा परिवार चलाते रहे, और 100 रुपया उस जमाने में जबरदस्ती हमको दिया, हाथ में रख कर मार खुशामद किया, अरे नहीं बाबा जी आप इसको रख लीजिए, ऐसा है वैसा है, बहुत आग्रह किया इन्होंने। तुम कहाँ से आगे, देखो इसको भगा, देखो एक दूसरे को भगाते रहते हैं। हाँ, इसे डाल दो, थोड़ा गेहूँ भी ले आवा करो, जाने हो राकेश, थोड़ा गेहूँ भी ले आया करो, सूखा गेहूँ। तो आजकल ये बरसात में और जाड़े में ये सूखा गेहूँ उनको बड़ा पसंद है, और आसान भी है, सूखा गेहूँ ले आइए, चना दोनों, तो सूखा गेहूँ खम्भे खम्भा रख दीजिए, सब बिन बिन खाएंगे सब। कहा तुम्हारा बच्चू कहा गया, तुम्हारा बच्चू कहा गया, कहा गुस्सू, देखो अब वो बंदरिया हट गई, जो बच्चे आ गए सब रोटी में सब। हम तो रोज रोटी बनवाते हैं, महरी नाती है, लकड़ी फाटा भरा पड़ा है, तो जानते हैं रोटी बड़ा प्रिय है इनको, तो वही बनवा के छोटे छोटे पीस करवाते हैं। तो अब यूट्यूब पर हमको देख रहा है कि नहीं देख रहा है ना, इसमें वहाँ पोस्ट मास्टर जगत। अच्छा, वहाँ गाँव वाले जो डाकघर थे, 12 डाकघर तो गाँव वाले थे। हाँ हाँ, जो भी गाँव गाँव होते हैं। हाँ हाँ, हमारे साथ में एक बाबू जी हैं। हाँ हाँ, लखनऊ से आते हैं। अच्छा, बाबू हम पोस्ट मास्टर। अच्छा, तो चलिए यही सब। बहरहाल हमसे जुड़ने के बाद आपने बहुत कुछ देखा कि नहीं देखा, देखा ना। और जितने लोग रायबरेली में हमसे जो भी जुड़े उन्होंने कुछ देखा है, प्रत्यक्ष देखा आप। अब एक ठाकुर भुवन सिंह लड़का है, और बड़ा रिकॉर्ड तोड़ काम कर रहा है इस समय, अभी एक मुश्किल 2-2.5 साल से जुड़ा है, मगर यह जरा खिस्सू टाइप के हैं। हाँ, वहीं रहता है, वहीं गोल चौराहे के पास में, सरोदय नगर। तो
यही है, यही देखिए असली हनुमान जी की पूजा यह है कि नहीं। हाँ तो बाबू जी इतवार इतवार आते हैं। इतवार ओ हाँ, कंटिन्यूटी बनी रहे। अच्छा एक बात ये बताइए, आप जिस एक जगलर सिंह रहे उनका नाम नहीं पूरा लेना है, तो जगलर सिंह के बारे में आपने आगाह किया ठीक, हम लोगों को कितना दबाव देते रहे संस्था बनाओ संस्था बनाओ, अगर आप मना न किए होते तो हम उनके चक्कर में फंस गए होते ठीक। अंजाम बुरा हुआ कि नहीं हुआ, अंजाम बुरा देखा कि नहीं देखा, अब बहुत पहले चले गए, जाने वाले नहीं थे वो, बस उनका मकसद था बस नोट कमाओ नोट कमाओ। अरे बंदरिया हम बहुत मारा बच्चा, उस छोटे बच्चे को जो दौड़ाया है, हाँ कहा है कहा है खुर खुर, एक तुम ही कहाँ से आ गए, अब उसको देखो छोटे वाले को दौड़ाए हैं वो, अब उसके पास जाएंगे उसको देंगे, वो हमारे ख्याल से बिना माँ का बच्चा है वो, हाँ वो जो बंदरिया है ना ये वाली, उसी ने उसको दौड़ाया है, तो जाए उसको दे हमें और उसके बाद हम वाणी को विराम देंगे, और ठीक है बस आते रहिए करते रहिए, यूट्यूब पर देखते रहिए, उसको फॉलो भी किया करो, उसको बढ़ाए तो बढ़ाए, फॉलो तो किया नहीं होगा भाई, उसको अब बढ़ाओ। एक अमेरिका की कोई परी जी हैं, उन्होंने बड़ा वो किया है, तमाम लिंक भेजा है और उसमें अब उसमें लोग समर्थन करें, अरे समर्थन मतलब अपना नाम लिख दीजिए तो आपका नाम वो अंकित हो जाएगा हमेशा के लिए, आपके मेरे आपने हमारे समर्थन में हैं, यही है सारी चीज़ें चल रही हैं और सब कुछ आप देखते ही रहें। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, बस जारी रखिए, और जहां आपके पास लोग आएं उनको भी यही राय दीजिए कि आप लोग भी ऐसा करो, किसी का काम फंसा हो तो उसे कहो एक काम करो पहले बंदर खिलाओ तुम्हार काम करब, हमका पैसा न चाहिए, हम जानते हैं आप रिश्वत ले ना तक लिया न लेंगे आप, तभी तो देखो जो मन के साफ होते हैं ना और सेवा भावी होते हैं हनुमान जी उसी पर कृपा करते हैं। कभी आपने हनुमान जी का टीका लगाया नहीं लगाया, तब मंदिर उंदिर बहुत जाया करते थे वो भी आपने छोड़ा, इनसे बड़ा कौन सा मंदिर है भाई, पत्थर के हनुमान को आपने लड्डू चढ़ाया और खुद ही खा लिया, तो वो हनुमान सेवा है या ये हनुमान सेवा है, ये हनुमान सेवा है, हनुमान जी ने तो लड्डू खाया नहीं तो उनको जबरदस्ती खिला रहे, तब ठीक है मैं वाणी को विराम देता हूँ, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।